दोस्तों अज गल करते हाँ होम्योपैथिक दवाई आरसैनिक एल्बम की। आरसैनिक एल्बम एक जहरीले पदार्थ तो बनी दवाई है, यानी कि एक जहर तो बनी दवाई है जिन्हों आयुर्वेद संखिया कहा जाता। अगर कच्चे संखिए का जरा जिन्ना भाग भी कोई खा लवे तो उसकी मौत हो सकती है, पर होम्योपैथी यदि जो पोटेंसी तैयार की जाती है इनू ताकत में तैयार किया जाता है तो यह खतरे तो बाहर हो जाती है, यह खतरनाक नहीं रहती बल्कि फायदेमंद हो जाती है। सब तो पहला जिन्हों दोस्तों ने अपना यह चैनल हुण तक सबसक्राइब नहीं किया वो कर लो, तो नाल ही बैल आइकोन भी दबा दिओ ताकि अगे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन तुहानू सब तो पहला मिल सके। अगर ये वीडियो ठीक लगे चंगी लगे पसंद आए तो अपने होर दोस्तों नाल शेयर भी करो, तो कमेंट बॉक्स में जाके अपने कमेंट भी दिओ कि अगे होर किहो जिहियां वीडियो तुसीं वेखना पसंद करते हो। आरसैनिक एल्बम एक ऐसी दवाई है जिहड़े बहुत सारे रोगों में काम आउंदी है। सब तो पहला जानते हाँ कि आरसैनिक एल्बम वाले मरीज के सिमटम यानी कि लक्षण किहो जिहे हुंदे आ। दिमागी लक्षण, वो एक पल भी टिके नहीं बैठ सकता, उसके दिमाग में हमेशा उथल पुथल मची रहती है। शरीरक तौर पर भी वह रेस्टलैसनैस हुंदा, दिमागी तौर पर भी वो कितने भी टिके नहीं बैठ सकता। अगर वो आस पास कोई समान खिल रहा पाया है तो वह उन्हें बिल्कुल टिकाने का रखने की कोशिश करता है, एक्यूरेसी बहुत भालता है। वो रोग हमेशा रात को बढ़ते हैं, खास करके अद्धी रात तो बाद रोग बढ़ जाते हैं। उन्हें लगता है कि अगर सौ गया तो हो सकता उन्हें कोई बहुत बड़ी बीमारी हो जाए, उन्हें कोई दौरा पै जाए, उन्हें कोई झटका लग जाए। कई बार तो इतों तक कि वह लेट के सौ ही नहीं सकता, वह सौंदा ही बैठ के है। अगर कोई व्यक्ति बैठ के सौंदा होर कोई भी सिमटम वह लैन की लड़ नहीं, होर कोई भी वह लक्षण पूछने की लड़ नहीं, उन्होंने आरसैनिक दवाई दो तो वो बहुत सारे रोग दूर हो जाएंगे। मेरे को कई बार योजे मरीज आए हैं जेडे ये दसते हैं कि वह रात को बैठ के ही सौंदे ने। एक बजुर्ग मेरे को आए कि जेडे कई साल तो रात को बैठ के ही सौंदे सन, जां कुर्सी उत्ते जां अपने बैड उत्ते। जदों मैं उन्होंने आरसैनिक थर्टी दियां कुछ खुराकां दित्तियां तो थोड़े दिनों में ही बहुत सही हो गए, तो उन्हें आके बहुत धन्यवाद किया कि उन्होंने नींद बहुत वधिया आने लग पई है, वो लेट के सौण लग पए। आरसैनिक दे मरीज की प्यास नहीं बुझदी, वो जां तां बहुत ज़्यादा पानी पीता है जां थोड़ा थोड़ा पानी घुट घुट करके बार बार पीता ही रहिंदा है, तो एक थां ते टिक के बैठ नहीं सकता। जिवें मैं पहले भी दस्या कि शरीरक तौर पर अते दिमागी तौर पर आरसैनिक दा मरीज बिल्कुल बेचैन रहिंदा है, उन्हें घबराहट इन्नी होंदी है कि उन्हें अपने रोग प्रति इन्ना डर लगता है कि उन्हें लगता है कि मैं मरी जावांगा, यानी कि फीयर ऑफ डैथ। आरसैनिक एल्बम के मरीज को फीयर ऑफ डैथ बहुत ज़्यादा होंदा है, ये उसका मेजर सिमटम है कि उन्हें मौत तो बहुत डर लगता है। अगर आरसैनिक का मरीज पुराना हो जाए, यानी कि वह रोग पुराना हो जाए, तो वो अंदर इन्नी कमजोरी आ जाती है कि वो रेस्टलैसनैस वाली गल नहीं रही, वो एक थान पर बिल्कुल दुबकिया रहा है, इको थान पर पिया रहा है, तो वह हिल के भी खुश नहीं होता। वह कहता है कि डॉक्टर साहब मेरा काम करने मन तो बहुत करता है पर मेरी हिम्मत नहीं पैंदी, मेरे च कमजोरी बहुत है। जो कोई मरीज इस तरह कहता है तो उन्होंने आरसैनिक दी कोई खुराक देने वाली वो हिम्मत आ जाती है, वो कमजोरी दूर हो जाती है, तो वह ताकतवर बन जाता है, तो अपने काम करने के काबिल हो जाता है। अगर मरीज के पेट में जलन हो, कुछ भी खाण पीन तो बाद पेट में दर्द हों, इतों तक कि पानी भी पीन तो बाद पेट में दर्द हो, कुछ भी खाण पीन तो बाद उल्टी आ जाए, इतों तक कि पानी पीन तो बाद भी मरीज में उल्टी आ जाए तो वो दवाई आरसैनिक होंगी है। आरसैनिक दी कुछ बूंदा उन्होंने दो तो उन्होंने बहुत जल्दी आराम मिलेगा। रोग कोई भी हो, बुखार हो, सिर दर्द हो, पेट दर्द हो, अगर वो मुड़ मुड़ उस टाइम पर आता है तो वह भी आरसैनिक का मरीज है। जो कोई रोग हर बार मिथे समय पर आता है तो वह भी आरसैनिक का मरीज होंगे। जिमें कोई मरीज आके दसदा है कि उन्होंने रोज़ शाम को 6 बजे सिर दर्द होंगे, जां रोज़ शाम को बुखार चढ़ता है, जां उन्हें तीसरे दिन बुखार चढ़ता है, जां उन्हें हर 10वें दिन बुखार चढ़ता है, जां उन्हें हफ्ते बाद सिर दर्द होंदा है, जां उन्हें हफ्ते बाद बुखार चढ़ता है, एक वारी का भी बुखार होंदा है, जिवें कहिंदे ने एक दिन छड्ड के एक दिन होंदा है, उहदे विच भी आरसैनिक बहुत वधिया काम करदी है। आरसैनिक एल्बम के मरीज़ को बार बार मल त्याग लई जाना पैंदा है, पर उन्हें बहुत घट मल आउंदा है, यानी कि उहदा पेट साफ नहीं होंदा। आरसैनिक एल्बम के मरीज का एक बहुत वधिया सिमटम होंदा है
ਘਤੌਣ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਆਪਣੇ ਧੜ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਗਰਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਧੌਣ ਤੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਸਿਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਫਰੀਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਰਦਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਸਿਰ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹਦਾ ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਧੜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨਿੱਘਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਕੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪਸੀਨੇ 'ਚੋਂ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ 'ਚੋਂ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਪੱਕਾ ਆਰਸੈਨਿਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਰਸੈਨਿਕ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਰਸੈਨਿਕ ਐਲਬਮ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਵੀ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਲ ਮੂਤਰ 'ਚੋਂ ਵੀ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ 'ਚੋਂ ਵੀ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਦਬੂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਰਸੈਨਿਕ 30 ਦੀਆਂ ਸਵੇਰੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਸ਼ਾਮ 3 ਖੁਰਾਕਾਂ ਰੋਜ਼ ਕੁਝ ਦਿਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਉਹਦੀ ਇਹ ਬਦਬੂ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰਾਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਘਬਰਾਹਟ ਹੋਵੇ, ਬੇਚੈਨੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਦਵਾਈ ਵੀ ਆਰਸੈਨਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਆਰਸੈਨਿਕ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਬੂੰਦਾਂ ਦਿਓ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਆਰਾਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਦੀ ਘਬਰਾਹਟ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਆਰਸੈਨਿਕ ਐਲਬਮ ਰੋਗ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਦਵਾਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਰਸੈਨਿਕ ਐਲਬਮ 30 ਯਾਨੀ ਕਿ 30 ਪਾਵਰ ਦੀਆਂ 3 ਖੁਰਾਕਾਂ ਸਵੇਰੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ, 2-2 ਬੂੰਦਾਂ ਸਵੇਰੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ 3 ਦਿਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਰੋਗ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ ਤਾਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫਿਰ 3 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਡਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੈਸਟਲੈਸਨੈਸ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ 3 ਦਿਨ ਆਰਸੈਨਿਕ ਐਲਬਮ 30 ਯਾਨੀ ਕਿ 30 ਪਾਵਰ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਲਿਵਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਰਸੈਨਿਕ 30 ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 3 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਰੋਗ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਆਵੇਗੀ, ਮਾਨਸਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵੀ ਆਏਗੀ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵੀ ਆਏਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰੋਗਾਂ ਨਾਲ, ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨਾਲ, ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖ ਸਕਾਂਗੇ। ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ।